साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड या कैरियर से संबंधित। अगर आपका भी कोई साथियों क्वेश्चन है, अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल ईजी स्टडी फार्मेसी पे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल का ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, बहुत से विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया, सर फार्मेसी में संविदा और परमानेंट सरकारी जॉब कैसे मिलती है, इसके बारे में बताइए। डी फार्मा किया हुआ है विद्यार्थी ने, डी फार्मा किया है और वो मतलब जानना चाहता है कि संविदा और गवर्नमेंट जॉब जो है कैसे मिलती है। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डी फार्मा जो किया है और बी फार्मा, वह कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है डी फार्मा की और कहाँ कहाँ बी फार्मा की जॉब लग सकती है। साथियों, डी फार्मा जो है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो क्लिनिकल में मैप है और बी फार्मा है वो इंजीनियरिंग में मैप है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेट के जो हॉस्पिटल होते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जिनके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, सीएससी आती है, पीएससी आती है, एडिशनल सीएससी आती है, एडिशनल पीएससी आती है। साथियों, कहने का मतलब है कि संयुक्त चिकित्सालय आते हैं, महिला जिला अस्पताल आता है। जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं या रेलवे के फार्मासिस्ट हैं या आर्मी के फार्मासिस्ट हैं या जो है कहते हैं एनटीपीसी है या इफ़को है, किसी तरह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल के अंदर दवा का रख रखाव, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और दवा की डोज तक की बताने का काम मरीज का है, वो फार्मासिस्ट का है, वो डी फार्मा है। क्योंकि डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है, जिसमें हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या है उसमें दवा का रख रखाव, दवा का वितरण, दवा जो है मरीज को देना और मरीज को डोज बताने का काम हमारा है, क्योंकि ये क्लिनिकल में है, जिसमें हम ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। बी फार्मा जो साथियों है, वो इंजीनियरिंग में मैप है, उसमें क्या है आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं और उसमें क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर DI की जो वैकेंसी आती है, उसमें आप एंट्रेंस एग्जाम देके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। गवर्नमेंट का जो है बहुत कम ऑप्शन है, या फिर केंद्र की ESI हॉस्पिटल होते हैं, उसमें डी फार्मा, बी फार्मा दोनों को अलाउ कर दिया है। बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की लड़ाई के बाद दोनों को अलाउ कर दिया है साथियों, और उसमें एंट्रेंस एग्जाम जो पास करता है उसकी जॉब लगती है। अदरवाइज जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं, वो डी फार्मा ही लगते हैं। अब साथियों, इन्होंने डी फार्मा किया है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, 2 ईयर का कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 मंथ जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, 500 आवर्स। अब साथियों, क्या होता है कि जैसे NHM और NRHM के जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो है एक गैर सरकारी संस्था है जो गवर्नमेंट के अधीन है, उसमें क्या होता है कि एक फिक्स सैलरी होती है, जिसको हम संविदा कह सकते हैं, संविदा पे, जैसा कि विद्यार्थी ने पूछा है, उसमें वैकेंसी निकलती है, उसमें आप फॉर्म भरेंगे, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा और आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। या फिर ऑटोनॉमस बॉडी होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं, AIIMS होते हैं या PGI होते हैं, और जो स्टेट के अंदर जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे लखनऊ में है राम मनोहर लोहिया है, इसमें जो साथियों फार्मासिस्ट क्या होता है कि 2 तरह से रखते हैं, एक तो परमानेंट रखते हैं और कहीं पर ज़्यादा मतलब मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन या ज़्यादा काम होता है तो वो संविदा पे भी रख लेते हैं। तो संविदा में क्या होता है कि एजेंसी के थ्रू जो है उनको रखा जाता है, जिसमें किसी तरह का वो पहले ही लिखवा लेते हैं कि आप KSEA नहीं कर सकते हैं या आप सरकारी नहीं हो सकते हैं, फिक्स सैलरी पे आपको दवा का वितरण और रख रखाव और मरीज को जो है दवाई देना, उसको बताना, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, सभी कुछ, और मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि साथियों बहुत तरह की वैकेंसी निकलती रहती हैं, सभी जगह से निकलती रहती हैं, NHM NRHM के प्रोजेक्ट हैं, CSC PSC पे निकलते रहते हैं, बहुत सी संस्थाएँ हैं गवर्नमेंट की, उसके थ्रू निकलती रहती है। इसके लिए आपको साथियों क्या होगा, न्यूज़पेपर रेगुलर देखते रहना होगा, और क्या होगा कि रोज़गार आप इंटरनेट पे जो है, अपने मोबाइल पे जो है गूगल में सर्च करेंगे, उसमें लिखेंगे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब जिस स्टेट के रहने वाले हैं, आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उसको फिल कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर के तौर पे आएगा और आपको पता चलता रहेगा कहाँ पे वैकेंसी है, आप अप्लाई करके तुरंत वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। साथियों, एम्बुलेंस होती है, MT की जॉब होती है, साथ ही साथ क्या होता है कि एक्सप्रेस वे जो है उसमें जो है फर्स्ट एड के लिए जो उनकी एम्बुलेंस होती है उसमें भी जॉब लगती है। साथियों, आर्मी में जॉब लगती है। साथियों, आर्मी में क्या होता है, जो भी
कैंडिडेट डिप्लोमा इन फार्मेसी है और उसका क्या होता है एंट्रेंस क्रॉस करके जो फिजिकल होता है, फिजिकल पास करता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो है भर्ती होती है और उनको हॉस्पिटल में जैसे आर्मी मेडिकल कोर हॉस्पिटल में जॉब लगती है। लेकिन क्राइटेरिया उनका जो है क्या होता है फौजियों की तरह होता है। CRPF में भी जॉब होती है, हमारे कईयों विद्यार्थी हुए हैं जिसकी जो है लखनऊ में भर्ती हो रही थी, रामपुर में होती है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी निकलती है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और जो है आपको मोबाइल पे इंटरनेट पे चेक करते रहना होगा, या फिर आप हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम जो है बताते रहते हैं कहीं पर वैकेंसी आती है। जैसे कि अभी अदर स्टेट में जो है पंजाब में जो है आर्मी में वैकेंसी है, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जबकि उनकी नागरिकता वहीं की होनी चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, और वहाँ पे क्या होगा कि फार्मासिस्ट की जॉब होगी लेकिन 2 स्टार रैंक आपको मिलेगी, 4600 का स्केल होगा, गजेटेड अफसर की पोस्ट होगी और दवा ही बांटनी है। ऐसे करके हम समय समय पर बताते रहते हैं। तो साथियों आप हमसे जुड़ेंगे, किसी तरह की क्वेरी है कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज भी है साथियों डॉक्टर जितेंद्र कुमार, या फिर इजी स्टडी फार्मेसी के नाम से उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।